खाना को आज तुम्हारा भाई प्रपोज कर देगा। अस्सलाम वालेकुम, मुझको सजा दी प्यार की, क्या आप मेरी गर्लफ्रेंड बन सकती हो? क्या तुम मेरा साथ दोगी? हाँ दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं थोड़ी उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ही होंगे। तो भाई व्लॉग स्टार्ट करते हैं क्रीमों के भंडार से। यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, इतनी सारी हमारे पास क्रीम अवेलेबल है माशाल्लाह से, जितनी भी क्रीम है ना गाइस, ये पूरी ऑल इंडिया डिलीवरी है, मतलब की हर जगह पर जा रही है। अगर आप कहाँ कहाँ जाएगी, ये तो जब पहुंच जाएगी जिनों के पास पहुंच जाएगी, वो ना पहुंच जाएगी, मैं अपना मुंह से नहीं बता रहा हूँ। और माशाल्लाह से देख सकते हैं गाइस, पूरा का पूरा ना बैग भर रहा है, और होए 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 माशाल्लाह गाइस, ये तो हमारे ट्रस्टेड कस्टमर जो हम पे ट्रस्ट करके भाई क्रीम मंगाते हैं। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर गाइस आपके पास भी क्रीम अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ पर आईडी आ रही है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, जिसने अभी तक ऑर्डर नहीं किया फटाफट से ऑर्डर कर ले। बेटा तुम क्या कर रहे हो? आ जा ले, हलवाई लाओ, खा लो खा लो भाई। पहले ना इसे अप्रूवल हमें चाहिए यहाँ से, बड़े भाई मालिक है ना हमारे, यहाँ पर यही है, पहले सूंघ लेंगे, इसके अंदर कुछ रखा तो नहीं है, अगर रखा नहीं होगा तो अप्रूवल दे देंगे, फिर मैं देकर आ जाऊंगा। ठीक है भाई, चेक हो गया, फाइनली हमारी बाइक गई है गाइस ठीक होने के लिए। वो रियानी के ब्लॉग में देख लेना, क्योंकि रियानी और अब्बू के साथ गए दोनों, अब देख लेना वहाँ पर भाई कितने दिन लगेंगे, रियानी का ब्लॉग चेक कर लेना, जाकर सब पता लग जाएगी आपको पूरी डिटेल। घर के नीचे गाइस आज ना सरिये कट रहे, मतलब की सुबह 9 बजे से लोगों दौड़ी दौड़ दौड़ी दौड़ो, जब मैं सो रहा भाई मैं इतना परेशान हो गया, पर कोई नहीं भाई, किसी का घर बनता है तो ऐसे ही होता, थोड़े बहुत दिन की बात है, फिर तो लेंटर फेंडल जाएंगे अपना, आराम से फ्री हो जाएंगे भाई। ऐसे ना यहाँ पर सरिये कट रहे हैं और ईंट फिट ना, तो इस वजह इसकी आवाज आ रही है। और सर ये देख रहा हूँ भाई कितने मोटे मोटे कट रहे हैं भाई, बहुत मेहनत चल रही है सुबह से। सलाम वालेकुम, साफ 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 भाई, हम इतने अच्छे अच्छे कमेंट आ रही है, तुम क्या करें भाई, आपने मम्मी के साथ गलत करा, पर एक बारी को मजा भी आया देखकर मम्मी रोने लगी। अच्छा, तो इस तरह ऐसा किसी की जान भी जा सकती है, जिस चीज से डर लगता है ना उससे दूर रखे। अच्छा अच्छा, तो चलो ये रखा नहीं है, लाओ लाओ नया लिया हूँ दुकान के, चलो दुकान कितने दूर है बताओ, 5 मिनट के अंदर ले आऊंगा। किसी चीज से तो तू भी डरता हो? मैं नहीं डरता, छपक ले लिया, चूहा लिया, कुछ भी लिया, और क्या, चलिए अभी हम तुझे वक्त बताएगा। ओके देखते, शर्त लगा लो, चलो तुम बदले लोगे, फिर याद रखना आपकी बात तो छापा था, छपक ली आएगी। डर गई, मेरे साथ मजाक करेगा तो? आज मैं करने वाला हूँ सना को प्रपोज। आप सोच रहे हो यार ये तो अभी दोस्त बनी थी, आज ये प्रपोज करने जा रहा है भाई, मेरा दिल ऐसा ही है, कभी कुछ करता है कभी कुछ करता है, आज तुम्हारा भाई डायरेक्ट प्रपोज कर देगा। अभी आया हूँ मैं गुलजस्ते वाले की शॉप पर, यहाँ पर लड़की किस चीज से इम्प्रेस होती है? गुलाब के फूल से भाई। मतलब तेल सा बनाओगे तुम, ये तो बता दो। स्मार्ट सा बनाऊंगा तुम्हारी तरह। अरे वाह जी वाह, मैं तो नहा भी नहीं, बना दोगे फिर बढ़िया सा? तो चलो भाई सना के लिए एक स्पेशल से गुलदस्ता बनवा लेते, मतलब गुलाब का क्या चीज होती है, जो भी होगा मैं वो बताऊंगा भाई, जल्दी जल्दी से बना दो ठीक है। अबे गुलदस्ता बना दो भाई, एक लड़की को प्रपोज करने आना है मुझे आज, ठीक है? ये ना भाई सारे मुझे संपत्ति दे रहे हैं, अब अच्छा अच्छा बना देंगे, तो फटाफट से भी बनवा लेते हैं। और यहाँ पर ये क्या बना रहे हैं, झुमके बना रहे हो क्या? अरे झुमका भूमका नहीं चाहिए, बाली है ठीक है। अरे तुम ये गुलदस्ता बना दो बस, प्यारा सा बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, और खुशबू आनी चाहिए, बदबू नहीं। पर जो यार बुंदों का सेट लग रहा है ना, इतना प्यारा लग रहा है पन्ने ना, माशाल्लाह से देखो भाई कानों में एक एक बात करा के सा जाएंगे, और इतना ब्यूटीफुल लगेगा ना पहनने के बाद, बस बढ़िया। चलो भाई हमारा ऐसे क्या बोलते हैं भाई, बुके तो बोलते हैं भाई साहब, गुलदस्ता बुके है, मतलब कुछ भी कह लो, हमें तो गिफ्ट देने से मतलब रखता है। और भाई ने इतनी ज्यादा शाइनिंग लगा दी ना यहाँ पर, अभी प्रॉपर बनने देता हूँ उसके बाद दिखाऊंगा। ये देखो भाई ने इतने ज्यादा दिल से बनाई है ना गाइस, सना को आज तुम्हारा भाई प्रपोज कर देगा, देखता हूँ ये रिजेक्ट करती है या प्रपोज एक्सेप्ट करती है। चलो जैसा भी, अभी इनके लिए ना एक चॉकलेट और लेनी है, और फिर डायरेक्ट मुझे घर पे आके खाना खाना है, फिर चलेगा तुम्हारा भाई प्रपोज करने के लिए। मैंने उनसे पहले कह दिया मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज ला रहा हूँ, वो कह रहे सरप्राइज बताऊँ, मैंने बस है गया, तो बस अब चल के उन्हें दिखाएंगे और कैसा रिएक्शन आएंगे। और जी लो मैं यहाँ पर सारा सामान लेकर आ चुका हूँ, डायरेक्ट आ चुका हूँ घर पे, अब मैंने सब भाई गोदाम में दुबका दो, मैंने कहा अगर अम्मी ने घर में देख लेना भाई पिटाई कर देंगे, किसके लिए लाया मुझे दे दो भाई। अरे चॉकलेट तुम्हारे लिए भाई, बच्चों के लिए चॉकलेट है, तुम बड़े हो गए ना। तो भाई देखो एक चॉकलेट है, इसके अंदर ही मैंने यहाँ पर रख रखी है, चलो सही है, बस अभी से दुबका देता हूँ और फटाफट से मैं खाना खा लेता हूँ। अच्छा बस ओके, खाने में बना रखा है, सिस्टर के घर पे आए थे, तो ये है बिरयानी और काफी टेस्टी लग रही है। और यहाँ पर देखो महफिल बैठ के होए सब खाना खा रहे हैं। लड़का भाई अपने दो दोस्तों को लेकर आया, ये वाले को और ये वाले को, कह रहा है नई वीडियो मिलो। अब ठीक है, अब तुम चारों वीडियो में आ गए हो, अब तुम आराम से घर चले आना रोड क्रॉस करके। ये एक सरप्राइज है तेरे लिए, बहुत बढ़िया, बता क्या सरप्राइज होने वाला है, इसे खुद नहीं पता भाई। इसमें जब भी ले जाता हूँ मैं कार का लालच देता हूँ, जब भी आया था भागता हुआ, तो फटाफट से भी बैक करा लो। रिहान को ना बताया नहीं, ना सना को प्रपोज करने जा रहा हूँ, अगर मैं बता देता ना भाई जाता है नहीं शर्त के साथ, तो इसलिए मैंने क्या उससे कार चलवाऊंगा, मुझे कुछ काम है तो ऐसे जा रहा हूँ, मजा आएगा आज। कार निकाली थी तो इतने में भाई मिल जाओ, अस्सलाम वालेकुम, और कैसे हो भाई? भाई एकदम से ऑटो मारे अपने, एकदम से पहचान लिया भाई ने, और कैसे लग रहे हैं ब्लॉग? बहुत बढ़िया लग रहा है, डेली ब्लॉग देख रहे हो आप, किस चीज से देख रहे हो?
सारे देखना व्लॉग सिस्टर के, मेरे रियान के। रियान के तो बहुत अच्छे लगते हैं और आपके भी सिस्टर के बहुत अच्छे। अरे शुक्रिया भाई, बहुत अच्छा लगा, ऐसे देखते रहना डेली, ठीक है ना भाई? बिल्कुल भाई। ओके चलो चलते है ना। क्या लग रहा है मैं कहाँ पर ले जाने वाला हूँ तुझे? अरे कहीं भी ले जा, कार चलो। वो लगवा देना, सीरियसली एक पॉइंट होता है ना कि हम वहाँ जा रहे, तू बता क्या लग रहा है तुझे? ये तो नहीं पता, अब मैं बता दूँ? भागेगा तो नहीं, देख पक्का बता। नहीं भागेगा नहीं, सीरियसली देख लो वादा है। देख तू 100 रुपए और दूंगा अलग से गिफ्ट में, ठीक है? मैं जा रहा हूँ सना को प्रपोज करने। हाँ बैंगन, क्या हो गया, क्या हो गया भाई? सदा सदमा लग चुका है, जल्दी भगा लू, गाड़ी से कूद मत जाइयो, भागो भागो। नहीं हमने कूद रहा, मैं गाड़ी चलानी है। हाँ भाई गाड़ी का लालच देता है, कहीं भी चले जाता हूँ। भाई बस वाला आ चुका है, तो बस अभी सना को मैंने लोकेशन दे दी, वो वहाँ पर मिलेगी। और गाइस कार के अंदर फ्यूल अप बिल्कुल भी नहीं है, मुझे फ्यूल टंकी करानी है। मजाक सट के 61 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है और लाल पे आ चुका है भाई, फुल ही करा देते हैं क्योंकि भाई कहीं भी हम जाते रहते हैं। अब देखता हूँ उसके अंदर कितने का तेल आएगा फुल टंकी के बाद। वैसे तो अब्बू ने कराई थी 300 बार, तो मैं जा रहा हूँ, मुझे पता लग जाए ना कि कितने की होती है। गाइस फ्यूल अप की दुकान पे यहाँ पर डीजल है और ये पेट, अरे हमें तो पेट्रोल डलवाना इनसे कहते हैं, पर वो समझ रहे हमारी कार डीजल के अंदर है, वो उसका वेट करने, देखो वहाँ पर लिखा हुआ है ना हिंदी में डीजल, चाचा पेट्रोल डाल दो भाई, हमारा फ्यूल अप खत्म होने वाला है, धक्के लगवाओगे क्या? यहाँ पर अपना फ्यूल अप लग गया है और वहाँ पर देखो मीटर चल चुका है और यहाँ मेरे दिल की धड़कने चलने लगी कितनी तेज चल रहा है। अब भाई रोक दो, मैंने कहा फुल को कह दिया ना, अब देखता हूँ कितनी दिल जल्दी फुल होता है। आता जा रहा है, आता ही जा रहा है, आता ही जा रहा है भाई साहब, इसके अंदर भी लग रहा है क्या? हाँ गाइस ये चेक करो गाइस, धीरे धीरे चढ़ने लगा है। अब देखता हूँ भाई, ये मुझे लग रहा है 8,000-9,000 रुपए का तेल ना डालना गाइस, मैं तो लाया भी नहीं हूँ, तो 500 रुपए लाया मम्मी से बस सना से ले लूंगा, वहाँ पर जाके सना पैसे दे दो, वो कहेगी मैं खुद किराए साई ऑटो से भैया मुझे तो चक्कर आने लगे, मेरा कैमरा था गिरियान भाई, ये क्या हो रहा है? गिरियान भाई कैसे कट लगा दो भाई, बस अभी आने देते हैं, मुझे लग रहा है 5-6 मिनट ना तेल डलेगा इसमें। 3588 और डाल दो, ऊपर तक कर दो बिल्कुल फ्यूल, जाइयो जरा बाहर जाकर डलवा लो, ऊपर तक खिंचवा लो, जैसे बाइक में खिंचवाते हैं ना सेम टू सेम, ऐसा हिला हिला के पूरी करा लियो। यहाँ पर तो देखो वैसे फुल हो चुका है, पन्ना भी थोड़ा बहुत और आएगा, कम से कम 500 रुपए का पेट्रोल तेल डल चुका है भाई। 3700 कितना का? 3730, चलो भाई सही है, 3700-3300 रुपए का आ चुका है। रेंज आ चुकी है 460 किलोमीटर की, पन्ना ये अभी रेंज बढ़ेगी भी और घटेगी, पर 400 चलेगी नहीं, पता नहीं क्या समझ में नहीं आता भाई। SUV की कार में ना, मतलब कोई सी भी कार हो ना, रेंज गलत ही दिखाता है हर वक्त। भाई फाइनली सना आ चुकी है मेरे पास, वो रही आ रही है, आ जाओ आ जाओ गाजी। अभी बिल्कुल ऑटो में से उतरी है, नरेंद्र से पहले गई थी मेरी, अगर जरा भी लेट हो चुका ना मैं बोलूंगा नहीं, लड़ाई हो जाएगी। रिहान भाई अब सुनो, तुम ना बाहर चले जाओ, इनसे कुछ प्रपोज करना है तो तुम्हारे सामने शर्माएंगे। जी सना जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम सलाम, ठीक हो जी? जी तेरा दीदार करूं, आज खुश क्यों हो तुम इतनी? सरप्राइज था जो तुमने मुझे बुलाया है। सरप्राइज तो ऐसा था, तुमने एक्सेप्ट ही नहीं कर, सॉरी क्या बोलता है, एक्सेप्ट नहीं कर रखा होगा, तुमने सोच भी नहीं रखा। तुम्हें क्या लगता है क्या होने वाला है? कुछ भी हो सकता है, तुम कुछ भी कर सकते हो। ओहो तो डर रही है अभी से। चलो मैं सरप्राइज दूं, मेरे रियान भाई को ना जरा साइड में भेज देता हूँ चीज फीज खाने के लिए, ठीक है ना? इतने में तुम्हारे लिए, आप अंदर आइए, पधारिए, फर्स्ट टाइम बैठोगे ना हमारी कार में, देख लो फिर से तुम्हें इनाम मिलेगा। इन्हें मिलता है 10 रुपए का नोट, फटा हुआ लो ले लो तुम मुझे दे दो, दे रहा कैमरा होने भी, अगर इन्हें दे भी दिया ना भाई शर्त लगा लो, आज दो तुम दो देखो अब नहीं दे रही है भाई, बिठा दो बेचारी को, गर्मी लग रही है यार, तुम पूरा यही तोड़ोगे। चलो 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 जी, बेस्ट फ्रेंड के लिए गेट खोला जा रहा है, क्या समझो? सना जी आप केसु पहले बताओ, इतने दिनों से कहा थी यार, हमारी याद नहीं आती क्या तुम्हें? बंद कर अब ये सीरियस ही हो गया, सीरियस याद नहीं आती आपको हमारी? आती है, बोल के बताओ ना मैं सब्सक्राइबर को। बहुत ज्यादा आती है मुझे, मैं तो इससे दिल से आह निकलती रहे मुझको सजा दी प्यार की, प्यार थोड़ी ना हमारा गाना, ये बंदी सीरियस हो जाती है वॉइस ऑफ, मतलब गाने नहीं गा सकता मैं, तुम्हें गाना आता है? कोई सा जैसे कोई सा आता हो एक गाना गा दो आज, बस मजा आ जाएगा। सीरियस बहुत अच्छा सरप्राइज देने वाला हूँ मैं तुमको, सरप्राइज तुम दो, गाना भी तुम्हें गाऊंगा, गाना मैं गाऊंगा। मेरी रूह का परिंदा फड़फड़ाए क्या बोलता है वो, फड़फड़ाए फड़फड़ाए पापा की परी नाले में पड़ी ये मेरा बहुत दिनों से डायलॉग था, मुझे सरप्राइज है, बेइज्जती करते हो। सॉरी यार मतलब मजाक भी नहीं समझ सकती हमारा, आप तो दिल में ले गए अपनी, अब मैं दूं आपको सरप्राइज, पहले ना मैं गाने कनेक्ट कर लेता हूँ, फील आएगी ना उससे यार, आई लाइक इट। सो गाइस गाना बजा दे रियान भाई, इतना हार्ड गाना, दो सरप्राइज,
एक्साइटेड है सरप्राइज के लिए। चलो गाइस मैं सरप्राइज देने आ रहा हूँ सना जी के लिए। ये भी बोलो, ये भी बोलो, क्या आप मेरी गर्लफ्रेंड बन सकती हो? फाइनली मैंने सना को प्रपोज कर दिया है। सना विल यू बी माई गर्लफ्रेंड? नहीं, वाई हम दोस्त। अरे लो इन्हें पैसे दे दो पहले भाई। लो लो लो, अरे लो, ठीक है ना दीदी? बाय 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 दीदी, अब आंटी ठीक है आप? अरे कोई बात नहीं, उन्हें मजाक चलता रहता, आंटी लगेगा तो आंटी कहेंगे ना। ओ सना मैंने आपको प्रपोज कराया, मतलब इतना अच्छा गुलाब दे गई, गुलाब को एक गुलाब दिया है, आपको कैसा लग रहा है? विल यू बी माई गर्लफ्रेंड? नहीं, बट वाई? क्योंकि दोस्त ज्यादा दिखती है। नो, माय फील इज वेरी लव, आई एम प्रपोजिंग यू। व्हाई यू सो रिजेक्टिंग मी? रिजेक्ट नहीं, हम दोस्त हैं। मैं क्या करूँगा तुम्हारे बिना? हम दोस्त हैं। मैं दोस्ती नहीं निभाना चाहता। क्या तुम मेरा साथ दोगी? सॉरी कांग्या, क्या तुम मेरा साथ दोगी? हाँ दोस्त रही। विल यू बी माई गर्लफ्रेंड? अभी तो हमें एक हफ्ता हुआ है मिले हुए। तो क्या हुआ, मेरा फील की कदर नहीं है तुमने? एक हफ्ते में प्यार नहीं, मैंने बहुत खर्चा कराया तुम्हारे लिए इन चीजों के ऊपर सना, सीरियसली। एक हफ्ते में प्यार हो जाता है इंसान को, प्यार देख के दिल से नहीं होता प्यार, प्यार गुलाब देख के होता और चॉकलेट देख के होता। मुझे नहीं हुआ, मैं आ सकते सीरियसली। पहले फूल छोड़ा, इतना फूल ले लेती है। देखो मैं दोबारा कह रहा हूँ, अगर आप रिजेक्ट करा तो मेरा बहुत दिल टूट जाएगा, समझ करो मैं चूर चूर हो जाऊंगा अंदर से, बेवफा। चलो 3-2-1, विल यू बी माई गर्लफ्रेंड? हम दोस्त अच्छे। सना नहीं, हम ये दोस्ती नहीं रखनी, दोस्त अच्छे हम, दोस्त। मैंने तो अपने YouTube फैमिली को बताया था मैं प्रपोज करने वाला हूँ, सबके सामने। आप ऐसा कर रहे हो मेरे साथ, मैं कैसे चूंगा? मुझे चक्कर आ रहे यार, पानी ला। हाँ बोलो सीरियसली सना, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लाया था, अम्मी से उधारी 6 महीने की किस्त बनवाई है मैंने चॉकलेट लाने के लिए, फूल बनवाने के लिए 5 महीने की किस्त बनवाई है, तुम ऐसा कर रही हो? फूल तुम मुझे प्रपोज? विल यू बी माय फ्रेंड? मैं फ्रेंड नहीं बना सकता, फ्रेंड फॉरएवर। सना वेरी आई लाइक यू यार, आई एम वेरी लाइक यू टू, बट एज अ फ्रेंड प्लीज मुझे मत ठुकराओ। नसीब वालों को मिलता हूँ मैं, पता है ना इन्हें, पता है नसीब वालों को ही मिलता हूँ मैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है सना, एक बात बोलूं सच में, मैं तुम्हारी एक शायरी लिख के लाऊं, सुनाऊं क्या मैं आपको? देखा है जब से तुझको, बेइज्जती करो मैं तो मारूंगी। बेइज्जती नहीं है, इज्जती है तुम्हें, अरे डरती है, फूल दो मेरा फूल दो। देखा है जब से तुझको आए मैं तो हिल गया, लगता है मेरे सीने से दिल निकल गया। शायरी इन्हें यार, कुछ दो मेरा फेंक का मारू इनके, इज्जत राश नहीं है, है। मतलब कि तारीफ कर रहा हूँ, शायरी लिख रहा हूँ, मैंने आज तक किसी के लिए नहीं गाई, तुम्हारे लिए गाई है मैंने। हाँ इज्जत कर लो मेरी, मतलब तुम मुझे, मेरी मम्मी मारेंगी, मम्मी मारेंगी, मेरी मम्मी भी तो मारेंगी, लोग देखेंगे तो अपनी मम्मी जा, तुम्हारी मम्मी मुझे मारेंगी, मेरी मम्मी तो इन्हें लग रहा अम्मी का डर है, अम्मी तुमने खूब समय दे रखा है व्लॉग में देखे। चलो कुछ जो भी बताना अपने दिल की फीलिंग है व्लॉग में बता दो एक बार, इधर देखते हैं, डर लगता है। अरे नहीं इसमें बता दो, मतलब दोस्त वाली जो भी सीन है, दोस्ती अच्छे है क्योंकि दोस्ती ज्यादा दिन टिकती है और रिलेशनशिप वर्क नहीं करता। यही बात सही है, सना जी ने ये भी सही कह रही है। चलो सना जी पर एक बात बताऊँ, मैं तो प्रैंक कर रहा था, क्यों हिला डाला ना? भाई मैंने कर दिया सना जी पर प्रोंग प्रोपोजिंग वाला, प्रोंग नहीं प्रैंक, अबे प्रैंक ही कह रहा हूं मैं, बेरा है क्या भाई? प्रैंक ज्यादा खुश है, इतना ज्यादा मजा आ चुका है ना ये तो परी, तुम एकदम से क्या लगा था सीरियसली जब मैंने प्रपोज करा था, तुम सोच रही है? मुझे लगा हकीकत में लगाएगा, पर एंड में मैंने पूरा रिएक्शन लूंगा, मैंने अगर एक्सेप्ट कर लिया तो मैंने कहा फिर दिल तोड़ दूंगा मना करके, टुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। थैंक यू सना जी, आपने मुझे फूल दिया। तो गाइस हम ना आज से दोस्त, मतलब कि अच्छे दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर, ये वाला हो सकता है ना? देखो गाइस मेरे हाथ गंदे, तेरे हाथों की नौ नौ चूड़ियां हैं,
चलो कोई नहीं गाइस, सना और अरमान हम हमेशा के लिए अच्छे दोस्त हैं। आप लोगों को कैसा लगा मेरा वाला प्रैंक मुझे कमेंट में जरूर करके बता देना। पर ये ना आपके लिए, ये सीरियसली मजाक नहीं कर रहा, आप लोगों ये ले लेते हो। अरे मम्मी कुछ नहीं कहेंगी। अरे तुम्हारा अपने उन्हें दे देना, और कोई होगा तुम्हारा? नहीं है, नहीं कोई भी नहीं है तुम्हारा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है। सीरियसली रियान कैसा है? रियान मेरा भाई है। रियान भाई क्या कहना चाहोगे? कुछ नहीं, रियान का तुमने मतलब सारा सपना तोड़ दिया एक ही बारी में यार। रियान अच्छा है, रियान मेरा भाई है। आए, रियान, रियान को मैं रोस्ट करती हूँ, रियान मुझे करता है, रियान मेरी केयर भी करता है, रियान टोस्ट भी कर देगा तुम्हें। ताली नहीं, हाथ धो लियो। अरे मैं यहाँ कर रहा हूँ, लो रख तो लो इसे, अभी थोड़ी देर की लगता है, जब तक घर नहीं जा रही हो इतना तो रख ही सकती हो ना। मेरी दिल की कदर तो कर लो, अच्छी तरह बच्चे की तरह पालना है, और इस फूल को ना मैं अपना घर ले आऊंगा। कभी सोच रही हो 10 रुपए तो वसूल कर लूं मैं? रख नहीं रहा यार सना जी, ऐसा क्या हो? ओफो, इसकी हड्डी मत तोड़ देना। नहीं हो रहा, फिर तोड़ दिया, चलो कोई नहीं, थैंक यू। पर ये लड़की मुझसे क्या कह रही है? तुमने मेरे मुंह पे माथे पे चमकनी ला दिया इन्होंने, ये कह रही है मैं तुम्हारे, लो लगा लो जी लगा लो, अब जैसी बिचारी है खुश हो जाएगी, ऐसे ला लो, देखो ऐसे लगेगा। फिर किसमें है भैया, देखना इनके माथे दिखाना अपना, पूरा माथा भर इतनी ज्यादा चमकनी, ऐसा लग रहा है चूड़ी वाले की दुकान में काम करती है। लो बस 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 बस, हो गई घोष, हो गई घोष, अब मत कह देना। तो आए चलो, ये लड़की अब जा रही है अपने घर पर। आए हाय, जान भाई क्या कहना चाहोगे ऐसी निब्बियों के लिए? कार चलवा दो। अबे यार इसे कार चलवाना है, इसका ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा ना। आप तुम वैसे खुश तो हो ना, मैं मतलब की दोस्ती के लिए आपको मैंने फूल दे दिया था ना। ओहो, ये तो हवाओं में उड़ रही है। चलिए सना जी, बहुत अच्छा लगा, मिलते हैं किसी और दिन। ओके बाय बाय भाई, बिस्मिल। अबे रियान भाई कार चलाएं, रियान भाई चलो तुम आप कार चला लो, मैंने सना जी को बाय बाय बोल दिया। सना जी ठीक है, आप यहाँ से घर चलिए। क्या बोल दिया बता, अब बताइए, बता दो तू, 10 रुपए मांग रही होगी ये ना ऑटो के लिए। अब बुरा मान गई आप तो यार, ये सब ये अपने घर जा रही है, चलो ठीक है ना, घर जाने देते हैं, और हम अपने घर चलते, रियान कार चलाएगा। और तो ये देख लो यहाँ पर कितना ज्यादा प्यारा व्यू आ रहा है, मजाक करके सामने हाईवे, ओए होए हवा भी आ रही होगी पर थोड़ी थोड़ी। सलाम वालेकुम चाची। और चाची कैसे ठीक हो? हाँ जी अम्मी जी। हाँ अच्छा, मेहंदी लगवा रही हो? चलो तुम मेहंदी लगवा लेना। अरे मैं घूम रहा था बस ऐसे ही टाइम पास के लिए। खाना तो मैंने सिस्टर घर पे खाना खा लिया था। हाँ बिरयानी खा ली थी। देख लिया ना, तो इतना मारूंगी, इतना मारूंगी। खा लिया, मजाक मजाक खा लेती मैंने पेट। हाँ खा ली, देख ये मजाक समझ रही है। गाइस बोल देता हूँ मैं कमेंट, तो फर्स्ट कमेंट है मोहम्मद जुबेर, वालेकुम अस्सलाम, मस्त व्लॉग, थैंक यू भाई। और ये है आमिर मोजिन अरमान भाई, अब तक का सबसे बेस्ट प्रैंक किया आपने, अम्मी तो बहुत ज्यादा डर गई थी, अब्बू का रिएक्शन तो सच में ऑसम थे, आई लाइक इट। अरे भाई थैंक यू आमिर भाई। आयशा मलिक, अरमान भाई आपने तो आज अपनी अम्मी से, अपनी मासूम जैसी अम्मी को रुला दिया, वैसे प्रैंक सैंक में मजा आ गया, बहुत स्वीट है आपकी अम्मी, ऐसा मत किया करो उनके साथ, वो डर जाएंगी। ओके जी आप नहीं करेंगे, वो हमने सिर्फ भाई इंटरटेनमेंट पर्पज के लिए करा था। ओले चलो आपको आज की वीडियो कैसी लगी, लाइक करना, कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय बाय।